कोरोना का खौफ लगातार जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा उन दिहाड़ी मजदूरों पर जो दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे शहरों में मजदूरी करने के लिए गए थे। इन लोगों की संख्या लगातार कोटवन बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार ने अपने यहां से सभी दिहाड़ी मजदूरों को यूपी के बॉर्डर पर छुड़वा दिया है। कोरोना का खौफ लगातार जारी है, इसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन तक देश को लॉकडाउन कर रखा है ताकि देश कोरोना वायरस का मजबूती के साथ मुकाबला कर सके। देश के प्रधानमंत्री के एक दिन के जनता कर्फ्यू, उसके बाद 14 अप्रैल तक देश को लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा सुन दिल्ली NCR और हरियाणा में देश के कोने कोने से आकर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों में हलचल मच गई। खाने पीने के साथ रुपयों के बिगड़ते हालातों को देखकर वो अपने अपने गृह जनपदों के लिए निकल लिए। ये बात सही है कि सरकार ने लॉकडाउन के चलते रेल, बस और हवाई जहाज की यात्राओं पर विराम लगा रखा है, जिसके चलते इन मजदूरों के सामने परिवार सहित घर जाने की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ये लोग पैदल ही घरों के लिए निकल लिए। ये देखकर हरियाणा सरकार ने पैदल यूपी की सीमा की ओर बढ़ रहे इन दिहाड़ी मजदूरों को बसों में बिठाकर हरियाणा यूपी के कोसी बॉर्डर पर छोड़ दिया। धीरे धीरे इन यात्रियों की संख्या बढ़ती चली गई और शाम होते होते ये संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। पैदल आए लोगों ने बताया कि पुलिस ने बस में बिठाकर उनको यहां तक भेजा है और कोई पैसा भी नहीं लिया, लेकिन अभी उन्हें एक बहुत लंबी दूरी तय करनी है जिसके बाद वो अपने घर पहुँच पाएंगे। सतीचरण, कहाँ से आए हो? सोना। कहाँ जा रहे हो? जा रहे यूपी कानपुर देहात। तो यहाँ कैसे बैठे? सर आगे से वाहन मिले, ऑटो टेम्पो वगैरह उनसे आए, फिर इसके बाद कुछ दूर चल गए हरियाणा पुलिस ने यहाँ तक छोड़ा, बोला तुमको जाकर आगरा छोड़ेंगे। यहाँ आपने आपको किसने छोड़ा है? हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने रोडवेज बस से भेजा। हरियाणा पुलिस लेके आई थी? हाँ जी, रोडवेज बस पर बैठाला था उन्होंने। हरियाणा पुलिस ने? हाँ जी। क्या कही थी? बोला आपको जा रही है आगरा तक, कहीं बोला कोसी जा रही, कहीं बोला आगरा जा रही है। हमने पूछा आगरा जा रही, बोले हाँ आगरा जा रही, तो हम लोग चले आए यहाँ का छोड़ दिया। किराया लिया था? नहीं सर, किराया नहीं लिया। आया। क्या नाम है? अमरेंद्र कुमार। कहाँ से आए? अरे यहाँ मानेसर से। क्या काम करते? जॉब करते थे बैल सौन काम में, गेट नंबर 4 मारुति में। यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ हमें हरियाणा रोडवेज से आए थे, यहाँ आके छोड़ दिया। तो हरियाणा रोडवेज ने क्या आपसे किराया नहीं लिया? नो हा? नहीं लिया। मैं वहाँ से आया था जो अपना पचगाँव वाला जो रोड है, हाँ, तो वहाँ से मैं पैदल आया पूरा 60 किलोमीटर यहाँ तक, फिर यहाँ से पलवल से वो मिल गई थी बस। फिर उन्होंने आपको कहाँ छोड़ा है? यहाँ पे। यहाँ क्या है ये? ये यूपी का बॉर्डर है। यूपी हरियाणा बॉर्डर? हाँ, यूपी हरियाणा बॉर्डर है। और इससे आगे आपको कोसी कलां पड़ेगा? हाँ जी। तो मुझे क्या मनसा थी, क्या क्या कहते हैं ये बस वालों ने क्या कहा तुमसे कि यहाँ उतरने के लिए? उन्होंने यही बोला कि यहीं उतार दी बस, बोला कुछ नहीं उन्होंने। काम से आया भैया। कहाँ जा रहे हो? मध्य प्रदेश बीना। यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक हरियाणा की बस चल रही थी तो उससे आ गए सर। यहाँ क्यों छोड़ दिया आपको, वहाँ बिहार तक क्यों नहीं लेके गए? ना यहाँ पे बॉर्डर था इसलिए उन्होंने आगे तक नहीं छोड़ा। तो किस कारण से आप अपने घर जा रहे हैं, क्या बात है? जी पहले बता रहे थे कि 2 दिन का कर्फ्यू लगा है, अब 14 अप्रैल का हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, इसलिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर, मजदूर आदमी है। क्या काम करते हो? चुनाई प्लास्टर करते हैं जी।